अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास की फ़सल पर बात करेंगे। कपास की फ़सल इस वक्त इंतहाई हसास मरहले में है, मुख्तलिफ़ बीमारियों का हमला हो रहा है। इन बीमारियों से कैसे बचना है, फ़सल को किस तरह महफूज करना है, और फिर ख़ास तौर पर इस वक्त मौसमी असरात कितने मुरतब हो रहे हैं। बारिशें हो रही हैं, आगे मानसून का सीज़न है, मानसून की जो बारिशें हैं अगर वो शदीद होती हैं तो उससे कपास की फ़सल को कैसे बचाना है। मार्केटिंग के भी मामलात हैं, कपास की फ़सल आलमी मंडी में इसके निर्ख कम हो रहे हैं, मकामी मंडी में भी निर्ख कम हुए हैं, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान हैं। इन सारे मौजूदात पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब, आप साबिक प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नईम इकबाल साहब, आप मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में। और उनके साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं चौधरी फजल हुसैन साहब, आप मिसाली काश्तकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त कपास की मजमूई सूरत हाल क्या है, कोई परेशान कुन है, हौसला अफजा है? पहले तो हम ये देख रहे थे कि जी निर्ख बड़े अच्छे हैं और पिछला जो IPM का तजर्बा है वो बड़ा अच्छा है, फिर अचानक खबरें आने लगी कि बीमारियों का हमला बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वक्त परेशानी वाली बात है या कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है? सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस फोरम पर बुलाया। यकीनन कपास इस वक्त बहुत क्रिटिकल पोजिशन में है। ठीक है, बारिशें शदीद हो रही हैं, वो काश्तकार जिन्होंने निकास से आपका बंदोबस्त नहीं किया हुआ, ठीक है, पानी वहाँ अगर ठहर गया 48 से 72 घंटे तक, अच्छा, उसे पानी ना निकाला गया तो जो फूल गुटी लगी हुई है वो झड़ जाएगी, शेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा मशवरा यही है किसानों से कि वो जल्द अज जल्द अगर कहीं पानी खड़ा हुआ है तो वहाँ से पंप लगाकर या किसी करके वो पानी निकालें, 48 से 72 घंटे तक पानी वहाँ खड़ा ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो आगे मानसून का सीज़न आना है, अभी तो ये ट्रायल है बारिशों का ना जी? जी हाँ, अभी तो बहरहाल जो फोरकास्ट तो यही है, 18 तक जो हैं बारिशें हैं। हाँ जी, उसके बाद फिर देखी जाएगी, अगर हुकूमत कुछ बंदोबस्त करती है, किसान को बंदोबस्त करते हैं, तो असल में जब खेत की तैयारी होती है तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारे शुमाल जुनूबन ये जो है खेत बने हों और दोनों तरफ खेत के थोड़े से गहराई हो, 5 फुट 6 फुट की, ताकि अगर बारिशें ज़्यादा हों तो उसका निकास आब होना चाहिए, वो पानी जो है निकाल दिया जाए। अच्छा, ये हमारे काश्तकारों को पता नहीं होता, ये जानबूझ के कोताही कर जाते हैं कि वो पानी की निकास का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं रखते, और फिर जब ऐसी बारिशें, या हमें हमारे पास बारिशें इतनी होती नहीं है? डॉक्टर साहब, आपने बहुत सवाल किया है, कुछ हमारे पाकिस्तान का ये मसला है, अनएक्सपेक्टेड आती हैं। ठीक है, पिछले साल बारिशें नहीं हुई, नहीं हुई, ठीक है, और लोग समझते हैं फार्मर ये ज़मीन हम छोड़ी हुई है, हमारी जाया गई है, ठीक है, तो उसको काबिल इस्तेमाल लाने के लिए वो जगह नहीं छोड़ते। ठीक है, और बाज़ औक़ात इस साल बारिशें तवक्को से ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, और जिन इलाकों में ज़मीन हमारी सख्त है, मेरा ज़मीन नहीं है, पानी वहाँ खड़ा हो गया तो वहाँ शेडिंग हो जाएगी, और कपास रहेगी, ग्रीन काटन रहेगी, वाइट काटन नहीं बनेगी। ठीक है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, ये क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं ये क्या असरात मुरतब करेंगे हमारी काटन पर, और इस वक्त जो काटन का मरला है देखें ना, अचानक हीट वेव आ जाती है, फिर इतनी फ्लक्चुएशन है, तो इससे कैसे बचना है? मैं ज़रा डॉक्टर साहब को शामिल कर लूँ। डॉक्टर नईम साहब, ये बताइएगा कि ये तो बात हुई ना जी पानी के हवाले से, लेकिन इस वक्त जो है वाइट फ्लाई का बड़ा अटैक है और थ्रिप्स का भी अटैक है, और इसके साथ साथ जो पहली दफ़ा हम पत्ता मरोड़ वायरस को भी जो है वो इस दफ़ा तजर्बा कर रहे हैं, ये भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो पहले तो हमें ज़रा वाइट फ्लाई की सूरत हाल बताएँ, फिर हम थ्रिप्स का जायज़ा लेते हैं। वाइट फ्लाई की सूरत हाल क्या है, कितना शदीद अटैक है, और इस अटैक से बचने के लिए काश्तकार क्या करें? थैंक यू बुखारी साहब, आपने हमें यहाँ बुलाया और ताकि किसानों को हम थोड़ा गाइड कर पाएँ कि इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। शुरू में जेसिड का जो सब्ज़ तेला था उसका अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था, फिर जैसे ही काटन की कैनोपी बनती है, बारिश ज़्यादा हुई, वीड्स ज़्यादा हो गई और थोड़ी काटन की कैनोपी बनी, तो वो कंडीशन जो है वो वाइट फ्लाई के लिए बड़ी फेवरेबल बन जाती है। ठीक है, जेसिड का हमला कम हो गया, कम हो गया, शुरू में ज्यादा था, अब उसका हमला कम, कम हो रहा है, और वाइट फ्लाई के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट हो गया, सूटेबल एनवायरनमेंट जो है वो बन गया, वो उसका हमला जो है ना वो शदीद हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब इस सफेद मक्खी के हमले की बढ़ने की वजह से जो हमारी ये जो वायरस है वो भी बहुत बढ़ गई, यानी कि इस दफा आप पिछले साल कम थी, इस दफा वो जो वायरस है उसका अटैक बाज़ वराइटीज़ में ज्यादा है, बाज़ में कम है लेकिन है सब में, लेकिन उसका अटैक जो है वो ज़्यादा है। अब
ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो हमारी पैदावार को, बाकी मौसमी मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं, बारिशें भी हैं, ये सारा कुछ मिलके हमारी काटन जो शुरू शुरू में बहुत अच्छी हो रही थी, अब थोड़ी अच्छी आ रही थी, फिर फार्मर जो है वो बड़ा अच्छा उसको मेहनत भी कर रहा था, रेट 10,000 था शुरू शुरू में, 10-11,000 भी था, अब रेट भी नीचे आ गया, ये खर्चा है कि मजीद नीचे ना आ जाए, अब वो जो पानी था वो उसका और महंगा हो गया, खादें और महंगी हो गई, वो बड़ा डिसहार्ट हो गए, अब करे तो वो करे क्या। अब ये वाइट फ्लाई का जो हमला है ये पिछले साल की रिस्पत कितना ज़्यादा है इस दफ़ा, या उतना ही है जो पिछले साल में? ऑलमोस्ट उतना ही है, उतना ही है। अभी जैसे जैसे आगे बारिशें, अभी कपास छोटी, जैसे बड़ी हो, अभी जैसे कपास बढ़ेगी, बारिशें बाद में ज़्यादा आएंगी, तो फिर इसका हमला और बढ़ता जाएगा। अभी बढ़ता जाएगा। अब काश्तकार क्या करे इस सारी सूरत हाल? हाँ, अब इसमें उसने करना यही है कि अब मैं तो वाइट फ्लाई के लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए इतने ज़्यादा जहरों के इस्तेमाल के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, ठीक है, वो इसलिए नहीं हूँ कि कोई भी इंसेक्टीसाइड या पेस्टिसाइड इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, या 2 से 3 दिन से ज़्यादा कंट्रोल नहीं देती, ठीक है, इससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं देती, ठीक है। अब फार्मर जो है वो इतने खर्चे कैसे बर्दाश्त करे कि हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे करता रहे और फील्ड में खड़ा रहे, उसकी इनपुट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बाकी चीज़ें और महंगी हैं और ये और, तो उसके लिए हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि वाइट फ्लाई के लिए जो नबाताती मेलोलाद हैं वो बिल्कुल उसको पॉपुलेशन कम रखते हैं, लेकिन फार्मर अगर रेगुलरली करता रहे तो, ठीक है, जो ना बताती महलूल, गवर्नमेंट पंजाब की एडवाइजरी भी है, ठीक है, उसमें क्या रिकमेंडेशन है जरा बता दें इस मरले पर? उसमें वो पौड़तुम्बे का है, टोबैको का है, नीम के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो उसने वीकली वाइट फ्लाई के लिए इफेक्टिव है, मददगार है, बिल्कुल मददगार हैं, अगर कहीं ज़्यादा बहुत पॉपुलेशन हो जाती है तो फिर उसमें ये इंसेक्टिसाइड भी मिला सकता है। चौधरी साहब से पूछते हैं, चौधरी साहब के बारे में हमें ये पता लगा है कि ये अपनी जो काश्तकारी करते हैं उसमें ये ज़रई अद्वियात का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, बल्कि खादों का भी, केमिकल खादों का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बड़ी डिफरेंट सी बात है ना इस दौर में भी। तो चौधरी साहब, ये आप वाइट फ्लाई को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने का और मौका भी मिल रहा है अपने किसान भाइयों से बात करने का। मैं कोई एग्रोनॉमिस्ट नहीं हूँ, काश्तकार हूँ, काश्तकार का ही बेटा हूँ, ठीक है, और काश्तकारी करते करते काश्तकार को एक्सपीरियंस तो काफ़ी हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो कुदरती आफात हैं, ये जो ये उसके बस में नहीं होते, ठीक है, बारिश उसके बस में नहीं है, वाव उसके बस में नहीं है, ठीक है, ये बीज उसके बस में नहीं है, ठीक है, ये खाद वगैरह उसके बस में नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, और ये नहरों का पानी उसके अख्तियार में नहीं है, तो बहुत सारी मुश्किलात झेलता है वो, ठीक है, और ऐसे ही अपनी उम्र गुजारता है, ठीक है। अब मैं एक अरसे से कर रहा हूँ, मेरी अपनी जाती कपास है कस्बा मडल से, ये सालस में, उधर वहाँ के लोग जानते भी हैं, और असिस्टेंट थे अपना, ये जो है ना जरा ये जी क्या कहते हैं एक्सटेंशन वालों से मीटिंग होती रहती है, और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी भी मैं कई बार गया हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब आपका रास्ता रहता है महकमों से, ज़रात के इदारों से। अब मैंने क्या किया, मैंने कपास जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई, मैंने वो ट्रैप लगा दिए वाइट फ्लाई के, ठीक है, और काफ़ी सारे लगा दिए, ठीक है, और लगा भी इतने सस्ते दिए, ये जो कोक वाली बोतल है ना, इसी को काट के उल्टा करके इसी में मिथाइल यूजिनल एक दवाई मिलती है, और इतने इतने वहाँ हफ्ते आ जाते हैं उसमें मक्खी इकट्ठी होकर, ठीक है। ये वाइट फ्लाई जो है ये तकरीबन 5 मील सफ़र कर जाती है एक रात में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि जहरों से वो मर तो जाती है, लेकिन दूसरी रात या दूसरे दिन किसी और के फील्ड से आपके फील्ड में आ जाएगी, तो आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन जब आपने ये ट्रैप लगा दी है, और ये सस्ता तरीका, ये महंगा नहीं है, ठीक है, उसमें काफ़ी वाइट फ्लाई जो मेल आ जाते हैं उसमें, ठीक है, तो आगे बढ़ोतरी नहीं होती, ठीक है, तो मेरे कपास में वाइट फ्लाई का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, एक्सीलेंट, अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है, थीक? ऐसे हालात में जहाँ सारे काश्तकार घबराए हुए हैं, अच्छा, वाइट फ्लाई से आप मुतमईन हैं कि कोई मसला नहीं? अब आप अगला का या मैं कंटिन्यू करूँ? जी, तो अगली बात आ जाती है, दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है वो है पिंक का, ठीक है, जो काश्तकार को ज़्यादा नुकसान दिया जाता है, वो इन चीज़ों पर अक्सर कंट्रोल कर जाता है। या मैं, मुझे याद आ रहा कुछ अर्सा पहले, कई साल पहले एक बात है, जब मैं कपास काश्त करता था तो मैं उसको धो देता था महीने में एक बार, ट्रैक्टर, अच्छा, के पीछे एक पुली लगा के, ठीक है, और बंदे चार लगा के अच्छी तरह से उसको नहला दिया, और एक महीना सादा पानी से, सादा पानी से, या उसमें डाल लेते तो उस वक्त ये
क्लोरोपायरीफास या कोई भी नाम भी डालो, सादा पानी से भी नहला तो ना जो पत्तों के जो कीड़े वगैरह होते हैं या जो ऊपर होते हैं अंडे वगैरह होते हैं धुल जाते हैं, ठीक है। और इसकी कास्ट भी इतनी नहीं पड़ती और आपकी कपास जो है वो खूबसूरत भी रहती है और दूसरे लफ्ज में बारिश भी होगी उस पर नमी भी आ गई, ठीक है। तो इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल, ठीक है। तो ये बात है। अब ये पिंक जो है पिंक के लिए भी वो मिलती है दवा, इसके लिए वो फेरोमोन्स मिलते हैं। आप पिंक के लिए स्प्रे करते हैं या नहीं करते जी? आप पिंक को नहीं, मैं कोई स्प्रे नहीं करता, ठीक है, ठीक है। मैं बाजार से कोई स्प्रे नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कुदरत ने हमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है, जो हम अपनी इनकी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते कि हमें यकीन हो, ठीक है। जैसे हम समझते हैं ना वो पीर की कब्र पे गए हैं तो अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया या बेटी दे दी, ऐसे यकीन हो ना तो यू कैन मैनेज। अभी बात करते हैं चौधरी साहब मजीद इस पे। डॉक्टर साहब ये देखें ना जी, एक डिफरेंट सा हमारे पास तजुर्बा है, अभी भी बहुत कम काश्तकार रह गए लेकिन अभी भी ऐसे काश्तकार हैं कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते और कुदरती तरीके से अपनी फसल को महफूज करते हैं। अच्छा ये वाइट फ्लाई के साथ साथ जो गुलाबी सुंडी है ये भी हमारे लिए दर्द सर बनी हुई है और इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे जी, बिल्कुल जी। हम जितनी भी कोशिश करते हैं आखिर में यही मसला खड़ा हो जाता है और उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है जी, बिल्कुल। ये कितना मौसर है गुलाबी सुंडी के हवाले से ये कंट्रोल जो चौसा बता रहे हैं फेरोमोन का? डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि ये कंट्रोल कर पा रहे होंगे क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आज तक वो स्प्रे नहीं किया, लेकिन इनको चाहिए एक डेमो प्लांट वहाँ बनाएँ और जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उन्हें वो दिखाएं। अच्छा ठीक है, ये सब कोई ऐसा नुमाइशी प्लाट आप बनाएं कि जो काश्तकारों को दिखाएं कि जी मैंने ये गुलाबी सुंडी का कंट्रोल जो है वो इस तरह किया। मेरे ख्याल में पिछले साल या इस साल तकरीबन 70 स्टूडेंट आया मेरे पास देखने के लिए, विजिट करने के लिए, ठीक है। और मुझे वहाँ उनके लिए उनको बताना भी पड़ा, सारा तो नहीं आदमी बता सकता बहुत थोड़े वक्त में। पैदावार भी ठीक रहती है? पैदावार तो कम आती है। अच्छा कितनी कम होती है पैदावार? इनिशियली जो पहला साल तो होगा तो फिर आप उम्मीद नहीं रखेंगे पहले साल आप उसमें कुछ कमा जाएंगे, दूसरे साल नहीं, वो आपके अखराजात ही पूरे हो जाएं वो भी काफ़ी है। लेकिन होता क्या है ये असल में ये बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें डिटेल में जाओ ना, हमें मुख्तर करना है। पहली बात तो ये जो नेचुरल हम ग्रो करते हैं ना क्रॉप्स को, इसमें बीमारी इतनी आती नहीं है। और फिर ये जो देसी मेथड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एज ए खाद के तौर पर जिसमें ये बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, अगर आप कहें तो मैं बता दूंगा, उसमें क्या होता है उसमें बीमारी इतनी आती नहीं है, ठीक है। फिर हम जो स्प्रे करते हैं देसी चीज़ों का मिला के, इसकी वजह से भी वहाँ कीड़ा कम आता है, वो अंडे कम देता है और वो वहाँ से भाग जाता है बिकॉज वो स्मेल की वजह से, ठीक है, वहाँ से भाग जाता है। और फिर बाद अगर बच्चा वो अंडे से निकल भी आएगा तो वो जो उस पर पानी वगैरह पड़ा हुआ उससे वो मर जाएगा और वो है भी बहुत सस्ता, ठीक है। मतलब आपने नुमाइशी प्लाट भी बनाया हुआ है जिसपे काश्तकार भी और स्टूडेंट्स भी विजिट करके देखते हैं और जायजा लेके वो फैसला करते हैं। डॉक्टर साहब ये जो पहलू है जिसपे हम बात कर रहे थे गुलाबी सुंडी का, डॉक्टर साहब ये बिल्कुल सही बात है। जब मैं 17 में गया ना उज़्बेकिस्तान जी जी, वो लोग भी उस वक्त तक वो इसे वाइट फ्लाई को वो कोई स्प्रे नहीं करते थे, उन्होंने येलो ट्रैप कार्ड लगाए हुए थे फील्ड में, स्टिकी मटीरियल येलो कलर को अटैक कर दिया है वाइट फ्लाई, ठीक है। उन्होंने स्टिकी मटेरियल में येलो कलर इस्तेमाल करके वो पेस्ट करके खेतों में लगाए हुए थे 20-20, 25-25 एक एकड़ में, वो शुमाल जुड़बन और यकीन जाने के वो स्याह हुए पड़े थे इतनी मक्खी कटी हुई थी। इसमें मजीद बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजी, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कपास की फसल पे। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि वाइट फ्लाई के ट्रैप जो लगाए हुए हैं वो बाहर तो उन्होंने किया हुआ था, हमारे साइंटिस्ट भी बाहर जाके जायज़ा लेकर आते हैं और फिर अपने लोगों को बताते हैं या? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, मुझे पंजाब गवर्नमेंट भेजा इसलिए था, ठीक है, तो मैं जो वहाँ देख किया यहाँ आकर मैंने प्रैक्टिस की, ठीक है, मैंने डेमो प्लाट बनाए जो इंस्टीट्यूट थे रिसर्च वहाँ लगाया, अपनी फील्ड में लगाया, ठीक है, काट इंस्टीट्यूट में, और उसका मौसम कंट्रोल हमारा है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये केमिकल नहीं है, केमिकल लोगों नहीं की तसल्ली नहीं होती, तसल्ली नहीं हो रही, और जो केमिकल इंडस्ट्री वाले हैं वो इसे प्रमोट नहीं करते, इसे अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है। अच्छा ये अब जो वाइट फ्लाई की सूरत हाल है उसका आप भी जायज़ा ले रहे होंगे जी, तो इस पे ये हमें इसके ट्रैप्स काफ़ी हैं या इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है और काश्तकार को मजीद भाग दौड़ करने की ज़रूरत है या ट्रैप्स पर ही जाके इसको कंट्रोल किया जा सकता है? डॉक्टर साहब अगर ये बारिशों का सिलसिला ऐसे रहा ठीक है तो ये मसला बनेगी, लाजमी बात है।
आगे मजीद मसला बनेगी। ठीक है, अगर इस पर कंट्रोल हो गया, बारिशें कंट्रोल हो गई, टेम्परेचर जो है इतना हाई ना हुआ, ठीक है, ये होता है हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर पर। ह्यूमिडिटी तो जो हमें बाद में एक्सपीरियंस करना था वो अभी इतना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या सूरत आगे क्या सूरत हाल होती है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगी, वाइट फ्लाई कंट्रोल इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद बड़ी है। चलें, ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये थ्रिप्स की क्या सूरत हाल है अब ताज़ा? जो थ्रिप्स की पॉपुलेशन जो है वो जैसे मीडिया का कह रहे ना, वाइट फ्लाई से काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हम मोस्टली ये दवाइयाँ या जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना वाइट फ्लाई के लिए, ये जो बाकी जो चीज़ें हैं छोटी मोटी वो कंट्रोल इससे हो जाती हैं, वो उनको कम रखती हैं, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप बात कर रहे थे ना ये ट्रैप्स वाली, उसमें आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे ट्रैप्स आए हुए हैं, हमने लगाए हैं, वो प्लास्टिक के हैं। अच्छा, वो ख़राब भी नहीं होते बारिश वगैरह में। ठीक है, उनके ऊपर आप गम जो है वो ग्लू जो है वो हर वीक उसका चेंज कर देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि बारिश आ जाए तो वो धुल जाती है, फिर आपने वो दोबारा लगानी होती है। तो ये सारी चीज़ें, दूसरा वीड्स जो हैं वो वाइट फ्लाई का बहुत, यानी कि ऐसा ज़रिया है ना कि वो उधर ही इट्स इट बहुत ज़्यादा होती है कॉटन के अंदर, सोर्स है वो उसके ऊपर, इवन आपने उधर स्प्रे कर ली वो इट्स इट के ऊपर चली जाती है। बाकी थ्रिप्स जो है वो उसकी पॉपुलेशन मौजूद है, लेकिन कोई अभी उसका जो हम मैंने अभी तक देखा है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत है। हाँ जी, उसके बारे में अभी ये वाइट फ्लाई मसला करेगी और यही बनेगी। बाकी पिंक ये पत्ता मरोड़ वायरस को भी हम बड़े अरसे बाद तजर्बा कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था, लेकिन अब जो है ये फिर कल लीफ वायरस जो है वो दोबारा सर उठा रहे हैं, और इस दफ़ा काफ़ी सारी जो है इतलात हैं जिससे फसल को नुकसान हुआ है। इसकी वजूहत एक तो आपकी नज़र में यही हो गया वाइट फ्लाई, ठीक है। अच्छा, जब वाइट फ्लाई का अटैक नहीं था, ये अब चलो अटैक बढ़ा है, नहीं था तो उस वक्त भी ये वायरस आ गया, तो आपने कोई आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि और क्या वजूहत हो सकती हैं इस वायरस की और उसको कैसे हम रोक सकते हैं? वायरस तो सिर्फ इसकी एक ही वजह होती है हमारे किसी भी वैरायटी में आने की, ये कौन सी वैरायटीज़ इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत रखती हैं और कौन सी नहीं रखती। ठीक है, अब जो अब बात वही चली जाएगी कि सीड किस तरह का जो है ना फार्मर को मिला है, अगर वो अच्छा था, कुव्वत मुदाफियत वाला था, प्योर था, इवन कई कंपनीज क्लेम करती हैं कि ये जो है ना ये कुव्वत मुदाफियत इसमें है, तो वो अगर तो उसमें वाकई ही है, फिर वो क्या इतना अच्छा था कि इतनी नस्लों के बाद भी उसमें कुव्वत मुदाफियत रहे? मेन वजह वो यही होती है कि पौधा कितना आपने उसकी देखभाल की है। अगर पौधा आपका हेल्दी है, सेम बंदों वाली बात है, अगर बंदा हेल्दी है तो उसमें ये वायरस वगैरह कम आएगा, उसके जीन्स भी अगर हेल्दी हैं, हाँ तो जी, फिर वो आगे भी मामला ठीक चलेगा। जी जी बिल्कुल, तो अगर वही कमज़ोर हुआ तो फिर बीमारियां ज़्यादा हमला करेंगे। अगर फिर एक तो वायरस मौजूद है, ऊपर से वाइट फ्लाई का हमला हो जाए, तो फिर ये पूरी हर जगह फैल जाती है। चलिए साहब, ये आप जो केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, कोशिश करते हैं बायो तरीके से आप अपनी फसल जो है वो सारी फसलें उठाएं, तो इसके लिए कपास के लिए कोई ख़ास वैरायटी इस्तेमाल करते हैं या तमाम वैरायटीज़ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसमें? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे लहसुन है ना या प्याज है, जी जी, वो सब हर हांडी में इस्तेमाल होता है और चावल में भी इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। ये जो इसकी जो बायो जो पेस्टिसाइड है ना जो हम घर में खुद तैयार करते हैं, ये इफेक्टिव हैं सब क्रॉप्स के लिए, सब वैरायटीज सब वैरायटीज के लिए, क्योंकि इट्स मिक्सर होता है 5-7 चीज़ों का। ठीक है, 5-7 चीज़ों का मिक्सर होता है जिसमें ये प्याज और लहसुन भी आ जाता है। ठीक है, यानी कि इन चीज़ों का, ठीक, तो इस लिहाज से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये जो आप ये जो बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं या बायो केमिकल्स जो है जिनको इस्तेमाल करते हैं आप, जी जी, ये जो फार्मूले हैं जी, इनकी मकदार ये आपने खुद तय की है या किसी इदारे ने, किसी हकीम ने, किसी पुराने जो ज़रई साइंसदान है उसने बताया है कि जी इतनी मकदार में गुड़ हो, इतनी मकदार में कोड़ तुम्बा हो, इतनी मकदार में? ये सर ऐसा ट्रायल एंड एरर है। अच्छा, हम आप बाज़ार से जो ख़रीदते हैं ना, जो भी दवाई लेते हैं, तजुर्बात से सीखा है, वो लेते हैं ना उसमें फिक्स होती है हर चीज़। अब मैं अगर उसकी फोलियर बनाता हूँ तो मैं उसकी मकदार किसी चीज़ के कम कर लूँगा, किसी के बढ़ा लूँगा। ठीक है, वो जैसे ज़रूरत होगी कि इसको ये ज़्यादा चाहिए या इसको ये बीमारी ज़्यादा या ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको सल्फ़र चाहिए, इसको फ्लान चाहिए, सिंक चाहिए, ये वो, तो
उस लिहाज से हम इसको कम बढ़ा सकते हैं, ये एडवांटेज है। और दूसरा जब हम इसको करते हैं स्प्रे वगैरह खेत में, तो ये आपका वो आपने जो तैयार किया है उसकी फिक्स कुछ नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है। वो बैक्टीरियाज कितना बढ़ गया उसमें, माइक्रोब्स कितने ज़्यादा हो गए, आप हम मैंने कहा हम वो साइंटिस्ट तो हैं नहीं, ठीक है। ये तो डॉक्टर साहब ये बैठे हैं, ये ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो जब आप करते हैं ना फसल पे, तो फिर आपको पता चल जाता है ये मैंने ज़्यादा तेज़ कर दिया, पत्ते जलेंगे अगर वो फोलियर कर रहे हैं तो, अगर वो पेस्टिसाइड का कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं कि इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो आप चौथे दिन फिर कर देंगे, ठीक है। और इट वर्क्स, ये काम करता है, और खासकर जो छोटे जिम्मेदार है ना, ठीक है। मैं तो हर जगह पे ये कह चुका हूँ, हर फोरम पे, कि छोटा काश्तकार जो है उसको खाद और फर्टिलाइजर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बशर्ते कि वो कुछ दो चार साल पाँच साल सब्र करे, अपनी जमीन को बेहतर करे, उसको जरखेज बनाए, और जरखेज बनाने के बाद वो देखेगा कि अगर दूसरे बाहर के मुल्कों में चंद जो हमारी ये है ना, जैसे मक्की होगी, कुछ और फसलात हैं, उनकी जो पैदावार है वो फर्टिलाइजर की नस्बत ज़्यादा है, कन्वेंशनल फार्मिंग की नस्बत जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी ज़्यादा पैदावार है। अच्छा। लेकिन जिस तरह हमने उन ज़मीनों को ख़राब करने में 50 साल लगा दिए ना, तो दो चार पाँच साल इसको दुरुस्त करने में 5-10 साल चाहिए, तो अगर आप 5-10 साल का अरसा सब्र कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो बिलीव यू मी कि आप अपने आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर ज़मीन छोड़ के जा रहे हैं, और बेहतर पानी छोड़ के जा रहे हैं, और बेहतर खुराक छोड़ के जा रहे हैं, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर इतना इफेक्टिव है और इतना कारामद है ये सारा महलूल, तो हम जहाँ पेस्टिसाइड तो कंपनियाँ धड़ाधड़ बेच रही हैं, तो गवर्नमेंट ये क्यों प्लान नहीं करती कि इस सारे महलूल को किसी जगह पर ख़ुद तैयार करे और उसको सेल आउट किया जाए, ताकि काश्तकार के लिए, अगर जिनके लिए मुश्किल हैं, तो दो चार एकड़ का काश्तकार है उसके लिए शायद मुश्किल हो रही, रोज़ी पूरी नहीं हो रही होती, वो साथ और भी काम कर रहा होता है, तो उसके लिए बायो पेस्टिसाइड तैयार करना या बायो केमिकल तैयार करना मुश्किल हो जाता है, केमिकल तो नहीं कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, बायो पेस्टिसाइड तैयार करना, तो ये शायद उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो ये हमारी हुकूमत या हमारी कंपनियां इसको तैयार क्यों नहीं करती? सब अच्छा सवाल किया आपने। पिछले साल हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साकिब अली अतील साहब ने काफ़ी एनर्जेटिक मूवमेंट करके हमारे इंस्टीट्यूट को, बाकी इंस्टीट्यूट को उन्हें कहा कि आप इसकी रेशो बनाएं, किस किस चीज़ के लिए अच्छी है। इवन के उन्होंने खाद के लिए भी हमें कहा कि चावल के साथ गुड़ मिलाकर ना आप एक खादें बना के दें, वो काफ़ी मौसर साबित हुआ, इससे काफ़ी अरबों रुपए की पैसेट बची है। डॉक्टर साहब हकीकत है ये, बिल्कुल सही है। हाँ जी, काफ़ी सारी तो शिकायत भी हैं बच गई है, दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से मिले जुला रुझान है। अब आपका पहला सवाल था वायरस का, ठीक है। इस वायरस का जो बेहतरीन हल है वो है दोगलापन, जो देसी हमारे का पास है उस पर वायरस नहीं आता। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने तकरीबन गुज़श्ता 8-10 साल से इसी तगड़ो में थे, तो हमने इंट्रोग्रेस्ट अमेरिकन और देसी को मिलाप को मिलाप करके हम F7 तक, F1 F2 जनरेशन आई है लेवल है हमारे, जिस तरह एक माँ बाप के बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, इसी तरह 7 जनरेशन तक हमने क्रॉप तैयार कर लिया है। अच्छा, इंट्रोग्रेस्ट, उस पर वायरस नहीं आता। अच्छा, उस पर वायरस, इसका यही हल है और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी पैदावार कम आती है। अच्छा, फिर तो मामला वही जा पहुंचे, मामला वही नहीं हुआ। अच्छा, मामला वही नहीं हुआ, इधर आए ना आप, पेस्ट कितना बचा आपके पास, क्राप बची नहीं है हमारे पास, वायरस के हमले से क्राप बची नहीं है हमारे पास। अब यह है कि 10%, 15%, 12% से कमी पेशी से वो हमारी जो पैदावार जो है बेहतर होती है, लश्करीन होती है, कोई वायरस नहीं होता, बेहतरीन होती है। हमारे हमारे इंस्टीट्यूट ने 2-3 वैराइटियाँ फाइनल की हुई हैं, बाकी पाइपलाइन में। तो ये जो फाइनल हो गई हैं अभी मार्केट तो नहीं हुई, मार्केट वो प्रोसेस के अप्रूवल के मरहल में आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अब रिटायर हो गए, मेरे ख्याल से सच बोलने में कोई मजायका नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, मैं जिंदगी सच बोला है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें बंदा वो ओवरलुक कर जाता है। हाँ जी, मजबूरन पॉलिसी के फॉलो करना पड़ता है। तो अब मेरे ख्याल आपके ऊपर कोई बैरियर नहीं होगा, बैरियर नहीं। ये जो बीज का मामला है, ये बड़ा एहसास मामला है, और इस पर अरबों खरबों रुपये लोगों ने कमाए हैं और काश्तकारों को बड़ा लूटा है। आप वैसे अगर आज तजिया करें, अपनी सारी 35-40 साल आपने लगाए हैं इस शोबे में, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? ये सारे इसमें जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। अच्छा, मैं खुलम बात कर रहा हूँ, मैं वो यूँ है कि अगर आज ही हुकूमत ये ऐलान कर दे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तमाम फार्मर्स को सीड मुहैया करेगी फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई 2 नंबर सीड नहीं बिकेगा,
गवर्नमेंट कैसे कर सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बड़ी मकदार में बीज जो है? गवर्नमेंट बाकी सारे काम कर सकते, ये भी काम कर सकती है। असल में यह है जितनी हमारी हज़ारों में कंपनी हैं, सीड कंपनी हज़ारों में, और उनके 25-25, 20-20 लाख रुपया उनकी रजिस्ट्रेशन फीस है, जो इनकम सोर्स है वो बना हुआ है, वो बंद होता, ख़त्म होता है। ठीक है जी, असल में जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन है उसे चाहिए वो एक्टिव स्टेप ले, बोल्ड स्टेप ले, हुकूमत को पीसफंड बना के दे कि इतना सीड जो है हम प्रोक्योर करके इतने फार्मर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एजेंसी बना दी जाए, एक जीनियन फैक्ट्री बना दी जाए जो रिस्पॉन्सिबल हो फार्मर्स को सीड देने का। मेरे ख्याल बीज पे काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मयारी बीज पे काम पड़ेगा। तो फिर मयारी बीज, अच्छा ये सिर्फ कपास का मसला नहीं है बल्कि हमारी ज़राई पैदावार का मजमू मसला है, मजमू मसला है ये। इस पर हम मजीद बात करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक ले लें जी। हाजिरी मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास की फसल पर मजमूई बात कर रहे हैं और हमारे माहरीन आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कपास किस मरहले में है, कपास को किस तरह बचाना है, किस तरह संभालना है। डॉक्टर साहब, ये जो बीज का मामला है, जैसे अभी हमें डॉक्टर अल्ताफ़ साहब ने बताया कि इनके इदारे में काफ़ी सारी तहकीक हुई है और काफ़ी सारा मटेरियल जो है पाइपलाइन में है, तो आपके यहाँ भी ज़रात पर और तहकीक पर बड़ा फोकस किया जाता है? जी जी बिल्कुल। तो आपके पास भी कोई अच्छी वैरायटीज़, अच्छे जीन्स, अच्छी सूरत हाल जो है पाइपलाइन में है जिससे हम काश्तकारों को खुशखबरी सुना सकें, या अभी ऐसा कुछ नहीं? हमारी यूनिवर्सिटी में सर ऐसा काम हो रहा है कि जो जीनोम सेंटर है ना, ये जो मसला है ना मिस ब्रांडिंग का, या कोई भी कहीं पर भी कोई सीड उठा के बेच देता है, उसको कोई पता ही नहीं होता, ठीक है, कि वो कहाँ से आया, सोर्स क्या था, कुछ भी पता नहीं होता। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी यूनिवर्सिटी में एक जीनोम सेंटर अप्रूव किया है, जो बन रहा है, उसकी बिल्डिंग बन रही है। फिर उसमें आप ट्रैक कर पाएंगे, जैसे पेस्टिसाइड के सैंपल के एनालिसिस होते हैं, उसी तरह आप सीड का भी एनालिसिस करके बता देंगे कि ये प्योर है या नहीं है, ये किस सोर्स से था, उसकी प्रॉपर टैगिंग हुआ करेगी, ठीक है, पूरा उसका जीनोम, उसके सारे जीन्स हमारे पास मौजूद होंगे। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी इस तरह से इसको जो है ना वो सपोर्ट करेगी। उसकी ट्रैकिंग कैसे होगी? ये ट्रैकिंग हो जाती है बिल्कुल, जो है ना कि किस सोर्स से आया था, बाकायदा गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी बनाएगी ना कि जिसको दिए हैं कितने दिए हैं, फिर वो सीड कैसे आगे मार्केट हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, आप ये बना के गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे? जी बिल्कुल, इसकी एप्लीकेशन तो उधर से ही होगी ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, हम जस्ट उसमें फैसिलिटेशन का जो है ना वो काम, गवर्नमेंट इस चीज पे काम कर रही है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने इस चीज को, इस मसले को समझा है और इसको जो है ना आगे लेके पास के लिए हो रहा है या बाकी फसलों के? ओवरऑल जीनोम सेंटर है। अच्छा, बाकी क्रॉप सारी फसलों पर, सारी फसलों पर, जहां जहां भी अगर जी जी बिल्कुल, ये मसला इंशाल्लाह काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। चलिए सर, ये आप बीज कैसे खरीदते हैं, कैसे फैसला करते हैं कि कौन सा बीज का प्रॉब्लम शुरू से ही रहा है, हमें भी बीज सही नहीं मिलते, ठीक है, खरीद के कुछ लाते हैं, सामने कुछ और लाते हैं, ठीक है, ये बड़ा अच्छा। इसके जो एक सजेशन जो मेरे जहन में है ना, वो कुछ इस तरह से है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे काश्तकार को उसके फील्ड में सिखलाया जाए कि बीज कैसे तैयार करना है। अच्छा, फील्ड में उसको बताया जाए, काश को बेशक वो अनपढ़ हो, लेकिन वो आप जब उसे बताएंगे वो सीख जाएगा कि आपने हाइब्रिड कैसे तैयार करना या दूसरा बीज कैसे तैयार करना। उस फैसिलिटेट काश्तकार को किया जाए, वो अपना बीज खुद तैयार करे, ठीक है, जब वो अपना बीज खुद तैयार करेगा तो काश्तकार एक दूसरे से मिलकर उसी बीज को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, बेच भी सकते हैं, लेकिन मैं बेचने वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि बेचने को तो जो कंपनीज है फिर वो नया कंपनीज अपने सिर्फ प्रॉफिट को मद्देनजर रखती हैं कि हम कितना मुनाफा कैसे कम बना सकते हैं, ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि काश्तकार को भी कोई फायदा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, इसी तरह वो जहरें बिकती हैं, इसी तरह ये बीज बिकते हैं, इसी तरह बाकी सारा कुछ है, तो वो अपना प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए अक्सर काश्तकार को गलत गाइड कर जाते हैं, ठीक है। आप अमूमी तौर पे खरीदते कैसे हैं बीज, कहीं मार्केट से खरीदते हैं? कोशिश तो ये करते हैं कि किसी वाकफकार से, मैं तो किसी वाकफकार से कोशिश करता हूँ लेने की, लेकिन कभी मजबूरी हो तो वो वेल जो अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनीज हैं उनके पास जाते हैं कि यार इनसे कुछ सर्टिफाइड मिल जाएगा, ठीक है, फिर भी कभी कभार वो बीज गलत हो जाता है। अब वो जो दोस्त है या जो भी है, हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो कहता है यार मैंने तो कंपनी वाले से लिया, ठीक है, बाय दैट टाइम इट्स टू लेट, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते कि यार हमारा नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हम कपास का खास तौर पे ये जो मरला है इस पे बात कर रहे हैं,
इस पर हमने देखा कि जी ये अटैक्स जिन जिन चीज़ों के हैं उनका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेस का क्या असर होगा और बारिशों का क्या असर होगा, लेकिन इस वक्त शायद न्यूट्रिशन पे भी तवज्जो करने की ज़रूरत होगी। या ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है, क्योंकि पौधे की सेहत बड़ी ज़रूरी है और आगे जो है फसल हमने किस तरह उठानी है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त खादों का इस्तेमाल जो है वो किस तरह होना चाहिए और कितना ज़रूरी है, या इस वक्त ज़रूरत नहीं है, खादों के बगैर मामला ठीक चलेंगे, या कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खादें डालते रहते हैं कि फसल बेहतर हो, क्या इस पर रिकमेंडेशन? अच्छा सवाल किया आपने। असल में बारिशों के बाद ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है तो इसमें कुवतें होती हैं, खाद की होती हैं, वो सारी खादें लीड डाउन वजह से कपास जो है येलो पड़ जाती है, कपास का पौधा कमज़ोर हो जाता है, उसको खुराक नहीं मिलती। ठीक है, बेहतर ये है कि जब ज़मीन फतर कंडीशन में आए, फतर कंडीशन में आए, हल चलाकर फिर उसके बाद खाद दे देनी चाहिए। ठीक है, और एरियल जो है फोलिएज स्प्रे यूरिया का 3% मुराद एक टैंकी में उसमें अगर 100 लीटर पानी है तो 3 लीटर या 3 किलो तीन के जी वो फोलिएज स्प्रे कर लें तो जो येलोपन है इसका कपास का जो कमी हुई है वो रिस्टोर हो जाएगी। और उसके बाद अब आ रहा है अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर जो है क्रॉप के लिए है सितंबर कपास सितंबर आना है अभी। ठीक है कब अगस्त में और सितंबर में कपास के को आधी बोरी यूरिया जो है फी एकड़ के हिसाब से ज़रूर देनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, इसको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल तैयारी कर लें काश्तकार जिनके पास खाद नहीं है वो खाद खरीदें और हाँ जी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कपास जो है इस वक्त अपने आप को उठाने में लगी हुई है तो उस वक्त फौरन से खुराक दे दी जाए तो कपास से पौध जाए ख़त्म हो जाएगी कपास उसकी हीट से। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है जी, बिल्कुल। तो ये बारिशें हो गई हैं तो बारिशों से नाइट्रोजन की कमी तो काफ़ी हद तक पूरी हो गई। नहीं वो हो जाती है, लेकिन बहरहाल क्रॉप बढ़ रही है, यानी कि उसमें फुल गुड़ियां भी लग रही हैं, उसमें टींडे भी लग रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे उसको थोड़ी, जैसे अभी अल्ताफ़ साहब ने बात की कि फोलियर बल्कि हाफ बैग रिकमेंडेड है कि आपको जो है ना इस जुलाई में आपने जो है ना वो देना चाहिए आपको हाफ बैग पर एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन का भी क्योंकि उसमें, लेकिन ओवर तो डेफिनेटली नहीं कि वो वाइट फ्लाई का फिर मसला ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं, लेकिन वीड्स रिमूव करके फिर जो है ना से बारिश के पानी में अल्लाह ने कुदरती तौर पर नाइट्रोजन का बंदोबस्त किया हुआ। हाँ ठीक है, तो एक बारिश हो जाए ना, एक घंटा आधा घंटा हो जाए तो एक बोरी के बराबर आई हो जाएगी, मतलब जहाँ को बारिश होगी है तो इससे बचा जा सकता है, नहीं है तो ठीक है गुजारा होगा। लेकिन हर चीज़ का एक लेवल है, आज़ादी नाक से नीचे तक है तो आज़ादी है, ऊपर है तो आज़ादी नहीं, मौत है। ठीक है, बारिशें अगर किसी हद तक काबिल कबूल हैं ठीक है तो वो बारिश की नेमत है, नेमत है, नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी, लेकिन यूरिया आपने देनी है, यूरिया देनी है। ये चौधरी साहब से पूछते हैं, चौधरी साहब आप तो सुना है खादे भी नहीं देते। ये यूरिया नाइट्रोजन एक ही चीज़ है। ठीक है, हाँ, वो यूरिया नाइट्रोजन एक ही चीज़ है। और असल में जब इनिशियली वो बारिश शुरू में आती है ना तो उसके साथ वो नाइट्रोजन आ जाती है, वो जिस की शक्ल में आती है, लेकिन जब उसके बाद वो पीछे वो आसमान खाली होता है ना, फिर जो आता है वो खाली पानी आता है, और जब वो पानी ज्यादा आता है ना तो फसल को खराब करता है। कपास के पौधे जड़ों को आप यूरिया या नाइट्रोजन डालते हैं? नहीं, मैं नहीं डालता। नहीं, बिल्कुल यूरिया नहीं, मैं नहीं डालता। अच्छा, मैं नहीं डालता। ठीक है, बेसिकली यूरिया और ये कुछ और खादे मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो डीएपी भी इस्तेमाल नहीं करते। डीएपी तो मैं 15 साल मैंने हर काश्तकार को कहता हूँ डीएपी मत इस्तेमाल करो। अच्छा, उसकी वजह के डीएपी वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ जमीन रेतली है। ठीक है, या ज्यादा नरम टाइप की होगी या आपने कितने अरसे से देखो जो सख्त जमीन है ना हमारी जो यहाँ पर है जिसका पीएच लेवल 9+ है इनके लिए तो डीएपी उल्टा नुकसानदेह है। ठीक है, मैं किसी काश्तकार को रेकमेंड नहीं करता कि तो डीएपी की बजाय और अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, एसएसपी है। ठीक है, नाइट्रोफॉस है। ठीक है, इसी तरह और खादे हैं। ठीक है, डीएपी का जो पीएच लेवल है वो 8.5 है, और ये बैठे हैं हमारे डॉक्टर साहब, ये कहते बेहतर फसल के लिए जमीन का पीएच लेवल 6.5 से 7.5 होना चाहिए, और जब डीएपी का पीएच लेवल ही 8.5 है फिर जरूरत नहीं है, फिर आप डाल रहे हैं तो वो तो नहीं, वो तो उसका फायदा ही नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की वजह से फसल को कुछ फर्क पड़ जाता है, और हमारे भाई सोचते हैं वो देखो मैंने डीएपी डाली ऐसा हो गया। ठीक है, वो पड़ी रहती है 2 साल नहीं, तो आपने अपनी जमीन का पीएच कम किया है? जी, मेरी जमीन की पीएच भी कम है। कम था या आपने किया है खुद? कम
9 प्लस थी। अच्छा, जब मैंने खाद छोड़ी कई साल पहले, मैंने काफी खाद इस्तेमाल की। अच्छा, फिर जाते जाते वो जेन तब्दील हुआ ना, देखे ना ये। और मैं खुद यकीन नहीं करता, मेरी वाकई जमीन का पीएच लेवल पिछले दिनों मैंने चेक किया तो 6.5 से 7.25 था। अच्छा। मुझे यकीन नहीं है, मैंने कहा मीटर मुझे गलत बता रहा है। अच्छा, तो मैं साथ वाले के खेत में मैंने जाके मीटर लगा दिया तो वो 9 था। अच्छा, 9 प्लस था, यानी को 9 पे था। आपने कितने अरसे से ये नाइट्रोजन और फास्फोरस इस्तेमाल किया? मेरे ख्याल में 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल। अच्छा, ठीक है, रिजल्ट ठीक मिल रहा है, पैदावार भी ठीक है। मेरे ख्याल में मैं अर्ज करूँ ना, कभी कभी ये कपास, लोगों ने कपास काश की बीमारी से कंट्रोल नहीं हो सका, नुकसान किया, लाखों रुपए नुकसान किए। अब मेरी अगर फसल कम हो गई तो मैंने नुकसान तो इतना नहीं किया ना, मेरी नस्बत उन लोगों ने ज्यादा नुकसान किया। ठीक है, आप बारिश जोर से आ गई, आप कपास खत्म हो गई, ठीक है, तो आप लोगों का नुकसान तो हो गया। आपकी वो 2 बोरियां डीएपी भी गई, वो फास्फोरस भी गई, वो यूरिया भी गया, वट जो भी आपने डाली वो सब गया, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं डाला, तो मेरा क्या हुआ भाई, बीज और खाद और पानी। ठीक है, ठीक है, तो मेरा नुकसान तो नहीं है। ठीक है, ये सक्सेस स्टोरी तो है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है ना बेहतर फायदा ये है कि मेरी कास्ट कम है। ठीक है, अच्छा, अब आ गई प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी आ गई तो उसमें अगर मैं मेंशन भी करूं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं खाद वालों से बेहतर जा रहा हूं। अच्छा, लेकिन मेरा मसला चूंकि अर्धिस एज मेरी उम्र ज्यादा होगी, मैं बताते खुद वहां वो ड्यूटी नहीं दे सकता खड़ा होके अपने वो लेबर के सिर, इसलिए वो लेबर जो है ना वो नुकसान दे जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको तो ये जो कुछ आप कर रहे हैं जी, इस सारे तजर्बे को बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये आज यहाँ जो गुफ्तगू हुई है जी, जी, इससे भी मेरा ख्याल है हमारे काश्तकार बहुत कुछ सीखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। हम वक्त ख़त्म हो गया जी प्रोग्राम का, इसमें मज़ीद बात करते, लेकिन आप तीनों हज़रात का बेहद शुक्रिया। दो तीन सेकंड वक्त ख़त्म हो गया जी डॉक्टर साहब, ये अभी हमारे पास वक्त है, कपास पर फिर मज़ीद बात करते रहेंगे। हमने नाज़रीन बात की कपास की फसल पर, आपने इसमें से बहुत सारी अहम चीज़ें जानी होंगी और ये भी देखा होगा कि किस तरह हम खाद और पेस्टिसाइड के बगैर भी अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अपनी ज़मीन की सूरत हाल भी बेहतर कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह रेगबान।